सलमान खान पर टूटा दुखों का पहाड़, काला हिरन मामले में आया हाहाकारी फैसला। साल 1998 में काले हिरन के शिकार को लेकर 5 अप्रैल को जोधपुर कोर्ट में फैसला आने वाला था। सभी लोगों की निगाहें सलमान पर आने वाले फैसले पर टिकी थी। बॉलीवुड के भाई जान सलमान खान अपने दरियादिली की वजह से भी जाने जाते हैं और यही वजह है कि उनके फैंस उनके लिए दुआ कर रहे थे। आपको बता दें, 5 अप्रैल को सलमान अपना फैसला सुनने के लिए जोधपुर पहुंच चुके थे। मिली जानकारी के मुताबिक सलमान को दोषी करार दे दिया गया है। सलमान समेत सैफ अली खान, तबू और भी एक्टर से इस मामले में लिप्त थे, लेकिन सलमान को छोड़कर बाकी सभी को कोर्ट ने बरी कर दिया गया है। बाकी जितने भी आरोपी थे सभी को संदेह का लाभ मिला। आपको बता दें, अभी उनको कितने साल की सजा होगी इस पर फैसला आना बाकी है और सीजेएम कोर्ट पर बहस चल रही है। 3 साल से कम सजा मिलने पर सलमान खान को बेल भी मिल सकती है। सरकारी वकील सलमान को 6 साल की सजा की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, सलमान को वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया है। काला हिरन भारत में खासकर राजस्थान में पाए जाते हैं और बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है। सरकार उनका संरक्षण कर रही है और इसलिए उसकी हत्या करने की वजह से सलमान को दोषी ठहराया गया है। न्यूज अपडेट की रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।